CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। तीन तलाक बिल आज राज्यसभा में पेश किया गया और सांसदों ने मंजूरी दी है, लेकिन कुछ ऐसे भी सांसद थे जो राज्यसभा से नादारद थे। इसी मसले पर हम सुफियान बानू जी से जानना चाहेंगे कि राज्यसभा में जो आज तीन तलाक बिल पास हुआ है, क्या वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। सुफियान जी, क्या कहेंगे, जो आज राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास हुआ है, इस मसले पर आपका क्या राय है? सबसे पहले तो जब ये सरकार, मोदी सरकार दो जब वजूद में आई, तो मोदी जी ने जब पहला पार्लियामेंट में भाषण दिया तो उन्होंने एक चीज़ कही जो उनका पुराना नारा हुआ करता था, सबका साथ सबका विकास। उसमें एक वर्ड उन्होंने जोड़ा, वो सबका विश्वास। तो जब उन्होंने सबका विश्वास कहा तो इस देश के बहुत सारे जो माइनॉरिटीज़ है उनके दिल में ये उम्मीद की किरण जागी कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार वन और मोदी सरकार टू में बहुत बड़ा अंतर होगा। लेकिन जिस ताकत के साथ और जिस विश्वास के साथ ये कहा गया था, सबका विश्वास, वो पहले ही पार्लियामेंट के सेशन में भरम हो गया। उसका रीज़न ये रहा कि जब मोदी सरकार टू वजूद में आती है और पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है तो पूरा देश इस वक्त अपेक्षा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि कोई ऐसे बिल पेश किए जाएंगे कि जो बिल भारत की प्रगति के लिए, तरक्की के लिए बड़ा किरदार निभाएंगे, हमारी इकोनॉमी को मजबूत बनाएंगे, देश के किसानों को मजबूत बनाएंगे, इसी तरीके से पेट्रोल की जो बढ़ती कीमत है उसको कम करेंगे, रुपये की जो गिरती कीमत है उसको मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे, इस तरीके के बिल पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार के पहले पार्लियामेंट के पहले सत्र का पहला सेशन अगर किसी बिल के इसमें जाता है तो वो इसमें जाता है कि तीन तलाक। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एक सिग्नल दिया कि हमारे लिए सारे विषय पीछे हैं, पहला जो भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ माइनॉरिटीज़ को दबाने वाला विषय है, वो हमारे लिए सबसे पहले है। यानी पूरा देश उस वक्त हैरान रह गया कि सारे विषय पीछे डालकर, मतलब आप समझिए ना, मैं नहीं कहता ना आप कहते हैं, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की रिपोर्ट है 2017 की, जिसमें कहा गया मुसलमानों में तलाक का रेशो सबसे कम है, मतलब 0.36 करके कुछ रेशो दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने दिया। मतलब जो चीज़, जो वाकया या जो चीज़ हमारे समाज में 1% भी नहीं है, उसके लिए मोदी सरकार टू का पहला पार्लियामेंट का पहला सेशन जाता है। ये कहीं ना कहीं सिग्नल है इस बात का कि मोदी जी का जो कहना है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये पूरी तरीके से झूठ है। अब रही बात कि जो कानून बना, हम लोगों को भी उम्मीद थी कि भाई ये पार्लियामेंट में लोकसभा में मंजूरी के लिए आएगा, लोकसभा में चूंकि उनकी अक्सरियत है वो मंजूर कर लेंगे राज्यसभा में, लेकिन ये बिल कहीं ना कहीं फिसल जाएगा, लेकिन इस बार राज्यसभा में मंजूर हो गया। मैं समझता हूं भारत की तारीख में सबसे लंगड़ा कानून अगर कहीं पे कोई बना है तो ये तीन तलाक का, ट्रिपल तलाक का कानून बना है। उसकी वजह नंबर एक, तलाक, शादी, निकाह, ये सारे जो मामले होते हैं ये सारे मामले सिविल मैटर होते हैं। पहली मर्तबा भारत के कानून में सिविल मैटर के अंदर जो चीज़ है उसको क्रिमिनलाइज किया गया, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर इस चीज़ को डाला गया। तो ये निकाह, शादी, तलाक, ये सारे समाज के अंदर एक सिविल मैटर होते हैं, सिविल कोर्ट इन चीज़ों को देखते हैं, उसको क्रिमिनलाइज करना, ये पहली गलती। नंबर दो, दूसरी सबसे बड़ी गलती इसमें यह है कि आपने कहा कि तीन तलाक देने से तीन तलाक नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान्य किया कि तीन तलाक देने से तीन तलाक नहीं होगी। जब तलाक ही नहीं हुई, आप कह रहे हो तलाक नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तलाक नहीं हुई, तो फिर सजा किस बात की? फिर तीन साल के लिए जो जेल में डाला जाएगा, वो तीन साल जो आदमी जेल में जाएगा, वो मतलब एक चीज़ है कि मैं किसी को कहूँ कि मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, लेकिन उस पर कोई सजा नहीं होगी कि जब तक वो मर्डर हुआ नहीं, तो जब तक वो एक्ट ही नहीं हुआ, उसने, आप कह रहे तीन तलाक किसी ने किसी को दिया, वो तीन तलाक वाकई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। जब वो कानून बन गया, जब वो एक्ट हुआ ही नहीं, उससे मतलब अमल ही सरजद नहीं हुआ, तो उसकी तीन साल की सजा कैसे? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, तीसरी सबसे बड़ी गलती
कि एक आदमी को आपने तीन तलाक की वजह से 3 साल के लिए उठा के जेल में भेज दिया। अब 3 साल आपके, आपका कानून कहता है 3 तलाक देने के बाद वो तलाक हुई नहीं, वो उसकी बीवी है। अगर वो उसकी बीवी है तो उसका नान नफके के खाने पीने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? अब वो आदमी 3 साल के लिए जेल में बैठा है, तो आपने क्या क्या सरकार ने कानून में इसमें कोई व्यवस्था की, कोई ऐसा क्लॉज रखा कि भाई वो 3 साल के लिए जेल में चला गया तो अब उसकी बीवी बच्चों का खर्चा सरकार उठाएगी? जब वो 3 साल के लिए जेल में बैठा है तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? तो ये कहीं ना कहीं औरत के हक देने के बजाय औरत पर और जुल्म हो जाएगा। चौथी बड़ी गलती कि जब 3 साल के लिए जेल में चला गया तो अब वो उसको कहा कि नहीं, तुम्हारा शौहर तुमको 3 तलाक देने की वजह से जेल गया है, अब तुम उसकी बीवी बन के उसके घर में रहोगे। तो अब वो जो जेल में गया है उसकी माँ उस घर में होगी, उसकी बहन उस घर में होगी, जिसे सास कहते हैं, ननन कहते हैं। तो वो सास और वो ननन जिसका बेटा या जिसका भाई एक औरत की वजह से 3 साल के लिए जेल में गया है, क्या उस औरत का वजूद उस घर में बर्दाश्त करेगा? कहीं ना कहीं उस औरत की हक तलफी नहीं होगी, उस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी गलती, 3 साल के लिए भाई जेल चले गए, 3 साल गुजार के जेल से वापस आए, अब आपका कानून कह रहा है कि बीवी है इसको साथ में रख। तो जिस औरत की वजह से वो 3 साल की जेल सजा कर काट कर आया, वो उसकी आकर वापस आकर खिदमत करेगा, मरम्मत करेगा? वो उसको कहाँ बर्दाश्त करेगा? तो कहीं ना कहीं ये औरतों के हकूक को नुकसान पहुंचाने वाला कानून है। और मैं समझता हूँ इस देश में बहुत सारे पर्सनल लॉ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ है, सिखों का अपना पर्सनल लॉ है, बहुत सारी चीज़ें। ये देश एक बड़ा बड़ा देश है, एक विशाल देश है, जिसमें आप देखें नॉर्थ में कोई किसी को पूछता है तो साउथ में कोई किसी को पूछता है, हर एक के हर 100 किलोमीटर पर कहीं ना कहीं भाषा चेंज हो जाती है, संस्कृति चेंज होती है, यहाँ तक के लोगों के धर्म भी चेंज होते हैं। एक ही धर्म है लेकिन मानने का विश्वास रखना अलग अलग होता है। तो ये एक विशाल देश है और उसमें कई अलग तरीके के पर्सनल लॉ है, लेकिन खास तौर पर मुसलमानों को इस बात का एहसास दिलाना कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो और शरीयत में इंटरफेरेंस करना, ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है। और आने वाले दिनों में आप देखोगे इस बिल की वजह से औरतों के हुकूक अदा नहीं होंगे बल्कि और वो ज्यादा परेशान होगी। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने कानून बना दिया 3 तलाक पे, जिसका रेशू यानी 1% भी समाज में नहीं है, उसके लिए आपने कानून बना दिया। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि एक आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे, उसके लिए आपने कानून बना दिया, लेकिन हजारों की संख्या में ऐसे मर्द इस देश में रहते हैं कि जिन्होंने अपनी बीवियों को बगैर तलाक दिए छोड़ रखा है, उनके लिए क्या, उनके लिए क्या कानून, उनके लिए क्या, कौन पूछने वाला? तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ऊपर भी, आपको मालूम है वृंदावन में कई हमारी हिंदू बहनें बैठी हुई है, हाँ, कहीं हमारे आप आश्रम में किस तरीके के मामला सामने आ रहे हैं और किस कितनी बातें सामने आ रही है। तो उन औरतों का जिसका रेशो बहुत ज़्यादा है और उसके लिए कोई कानून नहीं बनता है, और जिसका रेशो 1% से भी कम है उसके लिए कानून बनता है, ये कहीं कहीं सरकार कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार की नीयत में खोट है। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे भारत देश में मसले हैं जो कोर्ट में हैं, जिसके ऊपर राज्यसभा में आवाज़ उठाई जा सकती है, सभी के सहमति से राम मंदिर भी बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार उस पर फोकस क्यों नहीं करती? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि कुछ विषय ऐसे हैं जो सरकार जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीतिक जीवन जो है वो उस पर निर्भर करता है। मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट कभी नहीं बताएंगे, तारीख कभी नहीं बताएंगे। तो ये सरकार, चाहे मोदी सरकार 1 हो, मोदी सरकार 2 हो, मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे लगाते रह गए और लेकिन तारीख कभी नहीं बताई। उनकी बनाने की नीयत ही नहीं है वो, मैं नहीं कहता वो बनाए नहीं बनाए, ये अलग चर्चा का विषय है। मेरा विषय यह है कि उनकी नीयत ही सही नहीं है, वो हमारे हिंदू भाइयों को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको ही ये समझ में नहीं आ रहा। चलो, आप तो कह रहे हैं ना भाई पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस था, ये था ना वो था, इसकी वजह से मामला नहीं हुआ। अब तो आप पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में पिछले 5 साल से बैठे हो, 6ठा साल पूरा होने आ रहा है और कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनाव, क्या कहते हैं उसको, प्रश्न चिन्ह, हाँ, क्वेश्चन मार्क, वो कहीं ना कहीं उस सरकार की नीयत पे खड़ा होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ये दोनों संसदों का अपना एक अलग मेयार है, उसका एक अलग जो है उसका अस्तित्व है। मैं समझता हूँ पहली मर्तबा संसद पोलराइज होने जा रहा है, ये हमने 3 तलाक 3 तलाक के कानून पर देखा कि पहली मर्तबा संसद जैसे जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन के बहाव में बहने लगा। ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की चीज़ है। सर, मैं भी जानना चाहूँगा कि आज जब राज्यसभा में बिल पेश किया गया, मान्यता दी गई,
उस वक्त ऐसे बहुत सारे सांसद जो मुस्लिम समाज से हैं, जो मुसलमान है, वो उस वक्त गायब थे। देखिए, जो सांसद गायब थे, आपको पता होना चाहिए कि तीन तलाक की हिमायत में 99 वोट पड़े और उसके अपोज में जो वोट पड़ा वो 84 वोट पड़ा, यानी जो फर्क था वो 16 वोटों का था, यानी 16 वोट 15 वोट में बराबरी का मामला आता और फिर स्पीकर अपना वोट डालता और वो एक बात अलग तरफ हो जाती, लेकिन 16 वोट जीतने के लिए चाहिए थे। आप अगर इशारा कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ, तो कांग्रेस के सिर्फ 3 सांसद गायब थे, कांग्रेस के 48 सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 48 में से 3 किसी बीमारी की वजह से या अपने पर्सनल कारण की वजह से गायब थे, लेकिन बाकी के जो 84 वोट जो पड़े हैं तीन तलाक के अपोज में, उसमें सबसे बड़ा किरदार कांग्रेस का रहा है। 48 में से 3 गायब, आप 3 कम कर लो तो 45 लोगों ने उसकी अगेंस्ट में वोट किया है और ये रिकॉर्ड पर वोटिंग है। तो मैं समझता हूं अगर 45 लोग वोट करते हैं और 3 लोग किसी कारण से अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो उसको इतना प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उन लोगों को पूछना चाहिए जैसे TRS है या YSR कांग्रेस है, जो अपने आप को सेक्युलर गर्दानती है और बहुत बड़ा TRS हमारे यहां पर एक MIM नाम की बड़ी पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब उसी TRS के साथ में गठबंधन में है हैदराबाद में, उसी TRS के नाम पर वो साथ में चुनाव भी लड़ते हैं और उसी के गुण भी गाते हैं, उन्हीं को उनका ही कहना था कि चंद्रशेखर राव को भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी क्वेश्चन मार्क है, उनको उन लोगों से, मैं नहीं कहता कि असद भाई की नीयत गलत है या उनकी नीयत पर कहीं सवाल है, लेकिन उनको इस वक्त TRS से पूछना चाहिए, उनको इस वक्त जो है अपने गठबंधन के जो उनके साथी है उनसे सवाल करना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। जैसे आप मुझको इशारा करके सवाल पूछ रहे कि कांग्रेस के 3 सांसद गैर हाजिर थे, बिल्कुल आपका अधिकार है, लोकतंत्र में सवाल पूछना ये हर एक का अधिकार है। तो उसी तरीके से अगर आप 3 आदमी की गैर हाजिरी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो मैं आपको 45 आदमी जो हाजिर रहे और उन्होंने उसके अगेंस्ट वोट किया, वो मैं समझता हूं बहुत बड़ा किरदार रहा। सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सरकार से अपील क्या करते हैं मुस्लिम समाज, जो आज बिल पास हुआ इसलिए लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से बिल्कुल, देखिए लोगों से अपील, सरकार से तो कोई अपेक्षा है नहीं, ना पहले थी ना अब है, क्योंकि इस सरकार की बुनियाद कभी भी विकास नहीं रही। इस सरकार की बुनियाद हमेशा जो रही वो लोगों को जज्बाती नारों पे उभारना, पोलराइज करना, हिंदू मुस्लिम करना, इंडिया पाकिस्तान करना, यही सरकार की बुनियाद रही है। तो इस सरकार से किसी भी किस्म की कोई अपेक्षा या उम्मीद नहीं की जा सकती। लोगों से ये जहाँ तक कहूँगा कि इन धकोसलों में ना आए, बल्कि जो जिस धर्म पर रहता है, चलता है, जो जिस धर्म के ऊपर यकीन रखता है, देश के संविधान ने उसको वो इख्तियार दिया है कि वो अपने धर्म पर जिस तरीके से चाहे वो उस पे चल सकता है, पूरे गर्व और सम्मान के साथ चल सकता है। और जहां तक इस कानून की बात है, बहुत सारी मुस्लिम संगठनें इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है और आप बहुत जल्द देखेंगे कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जी हाँ, 3 तलाक जो बिल राज्यसभा में आज पास हुआ है, कहीं ना कहीं सुफियान बानू जी का कहना है कि सरकार मुस्लिम समुदाय के ऊपर जुल्म ढा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस 3 तलाक की रवैया क्या होती है, क्या समाज के लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CEN न्यूज मुंबई। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।